तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। फिर मैं आपके सामने एक और मजेदार वीडियो लेकर जो है आ गया हूँ। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में जो है मैं इन्वर्टर का जो है कनेक्शन करने के बारे में सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप अगर इन्वर्टर आप खरीदने वाले हैं और अगर घर में या दुकान में ऑफिस में जहाँ कहीं भी आपको फिट करना है जो है, तो आप बिना मिस्त्री को बुलाए बिना पैसा खर्च किए जो है बहुत ही थोड़ी सी मेहनत कर बहुत ही आसान है जो है उसको आप खुद ही जो है, मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय लगा कर खुद आराम से उसको जो है अभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं जो है, तो इस वीडियो को जरूर देखें पूरा जो है आराम से। ठीक है, ओके, चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। ये जो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा है, इसको जो है दबा दीजिए। उसके बाद घंटी के बटन पर दबा दीजिए, उसके बाद ऑल पर दबा दीजिए। ठीक है, इसे ये फ़ायदा होगा कि मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूँगा, मतलब अपलोड करूँगा, तो उसका मैसेज जो है आपके पास पहुँच जाएगा, उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो है हम जान लेते हैं जो कि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं था और आपने इन्वर्टर लाया है या खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसका आप कनेक्शन जो है किस तरह से करेंगे जो है मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप वाइज जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को एक पैसा भी जो है आपको देने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं उदाहरण के साथ जो है यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है एक रूम बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये जो है तो हम रूम जो है मान लीजिए कि बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि रूम बना दिया, फिर यहाँ से एक जो है पंखा लगा लेते हैं। ठीक है, फैन, और यहाँ पर जो है एक जो है मान लीजिए कि ये एलईडी लाइट लगा दिया। उसके बाद से इसका जो कंट्रोल करने का सिस्टम मान लीजिए कि यहाँ से जो है एक तो बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, बोर्ड होगा तो जैसे कि मान लीजिए कि आप एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ चलिए एक हम जो है सॉकेट भी लगा देते हैं जिसमें जो है कुछ खोस के जो है चलाया जाता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं जो है, इसको सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ पर जो हम एक जो है तीन जो है स्विच लगा देते हैं जो है, एक सॉकेट के लिए, एक पंखा के लिए, एक बत्ती के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से जो है बाहर से जो है बिजली जो है घर में जो आया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ जो है मेन बोर्ड यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, और मेन बोर्ड से यहाँ से जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि किसी तरह की वायरिंग, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अंडरग्राउंड वायरिंग हो या पट्टी वाली वायरिंग हो, जैसे भी मैं आपको जो यहाँ से जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जो है इसमें कनेक्शन जो है आपके घर में गया हुआ है। ठीक है, तो लगा हुआ है ये लाइट हो गया जो है यहाँ पे, जैसे कि जो भी आपको बल्ब स्विच आके जो बना हुआ है जो है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा मुख्य काम है आपको जो इन्वर्टर का कनेक्शन समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ से एक पतला सा तार जो है आपको यहाँ से जो है निकालना है। ठीक है, एक तार बस, एक न्यूटन फेज है, सिर्फ एक तार, और इसको आप यहाँ से जो है ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ले जाने के बाद जो है यहाँ पर बोर्ड में जो है इसको ले आएंगे। ठीक है, बोर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से आपको न्यूट्रल उसका इन्वर्टर कनेक्शन बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एक सॉकेट के लिए स्विच लगा हुआ है, एक ये मान लीजिए कि जो है ये लाइट के लिए लगा हुआ है, जो है फैन के लिए लगा हुआ है। ठीक, तो बोर्ड में इसका कनेक्शन कैसे हो कैसे होता कैसे हुआ होगा जो है, ठीक है, कैसा रहता है जो, किस तरह से आप जो है ये इन्वर्टर का जो है आप जो है के लिए वायर जो इसमें जोड़ेंगे जो है, तो जब भी आप बोर्ड जो खोलेंगे जो है तो आप देखेंगे ये स्विच में जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है स्विच बना दिया, एक सॉकेट के लिए, एक लाइट के लिए जो है, एक जो है फैन के लिए। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि इसमें से जो है कि मतलब कि ऐसे से तार एक बाहर निकल गया हुआ है, ठीक है, इस तरह से जो है, और नीचे वाला जो है इस तरह से ऐसे लंबा जो है उसमें जुड़ा होगा, जैसे कि एक एक तरफ से एक वायर आके इसमें जुड़ा होगा और एक लाइन में ही जो है जुड़ा होगा, ठीक है, वो फेज तार होता है, ठीक है। उसमें टेस्टर से चेक करेंगे तो लाइट जलेगा, ऊपर वाले में चेक करेंगे जो है तो उसमें लाइट नहीं जलेगा, वो जो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कनेक्शन करना है जो है एक पंखे का और एक जो है बल्ब का, जो है मतलब कि लाइट का, ठीक। और जैसे कि मान लीजिए कि ये नीचे वाला हो गया, तो देखिए करना क्या है, जो सॉकेट का मान लीजिए कि नहीं करना है, मोबाइल चार्ज नहीं करना है, जैसे कि तो यहाँ से इस तार को बीच में से जो है ये काट देंगे, जो है ठीक। काटने के बाद जो है आप ये वाला तार जो है इसमें नीचे वाले स्विच में फेस में जो है जोड़ देंगे, ठीक है। और जो सॉकेट के लिए जो है मतलब कि तार जो है ये पहले से जो इसमें से न्यूट्रल फेस का कनेक्शन जो लगा हुआ था उसको जो ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है, ताकि वो सॉकेट जो है लाइट से जो है उसका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। उसका कनेक्शन हमको मान लीजिए कि इन्वर्टर से नहीं करना है, ठीक है, हमको सिर्फ एक लाइट के लिए फैन के लिए जो इन्वर्टर कनेक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने ये फेज तार में लिया के जो है इसको जोड़ दिया, यहाँ से सॉकेट कनेक्शन यहाँ से जो काट करके यहाँ से जो अलग कर दिया, वो लाइट चलेगा और केवल पंखा और जो है बत्ती जो है इन्वर्टर चलाना है हमको, ठीक। ये तो यहाँ कनेक्शन हो गया जो है, अब देखिए क्या करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम एक बैटरी बना लेते हैं, ठीक है, ये बैटरी हमने जो है बना लिया, यहाँ से एक कनेक्शन बना लेते हैं, न्यूट्रल फेज का एक माइनस होता है जो है प्लस होता है वहां पर लिखा रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके बगल में जो है एक हम जो है यहाँ से इन्वर्टर जो है बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मान लीजिए इन्वर्टर चालू बंद करने के लिए स्विच हो गया, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो आप देखेंगे पीछे जो है यहाँ पर 5 पिन सॉकेट लगा रहता है, ऐसे जो है 5 पिन सॉकेट लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से 2 तार निकला रहेगा, एक लाल काला या पीला जिस तरह हो सकता है, जो है न्यूट्रल और फेज जो इसमें ले आके आप जो है जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन्वर्टर से बैटरी का कनेक्शन हो गया जो है, और एक तार निकला रहेगा जो है ये मतलब कि इन्वर्टर को जो है बिजली से चालू करने के लिए, इसमें जो है हम जो है यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट जो है चलिए ये लगा दिया, ठीक है, कर दिया। अब देखिए करना क्या है आपको जो, और इसमें मेन बोर्ड में जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके घर में यहाँ पे पहले से मेन बोर्ड में अगर 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है तो ठीक है, आ नहीं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं जो है तो इसमें से जो एक न्यूट्रल जो है और एक फेस का तार निकाल कर जो है यहाँ पे एक बोर्ड बना के जो है छोटा सा लगा लीजिए, ब्रेकेट बोर्ड आता है, यहाँ से एक इसमें सॉकेट लगा लीजिए आप जो है 3 पिन सॉकेट जो है इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए लगाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसका तार जो है इसमें जो है टॉप जो है इसमें खोस दिया, ठीक है। अब इन्वर्टर जो है मान बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है, इन्वर्टर चालू हो गया आपका, ठीक है। अब एक तार जो जोड़ के आपने उसमें कनेक्शन किया था उसको आपको जो है क्या करना है, जो है इस तार को आपको जो है यहाँ से ले आना है जो है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको 3 पिन सॉकेट जो है यहाँ पे सॉकेट नहीं पर टॉप जो है लगा देना है, ठीक है, टॉप याद रखे, ठीक है, सॉकेट इसको बोलते हैं जो बोर्ड में लगा हो जिसमें कि मोबाइल चार्जर लगाते हैं, ठीक है, उसको सॉकेट बोलते हैं, इसको जो है टॉप बोलते हैं जो लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है जो है आपको इन्वर्टर में चेक करना है इसमें उसमें जो है कौन से टेस्टर से जो है कि लाइट जल रहा है, कौन सा फेज तार है, ठीक है। उसको चेक करने के बाद आपको जो जैसे कि मान लीजिए इधर मान लीजिए मैं फेस मान लेता हूँ, ठीक है, जो एक तार जो आया हुआ है मैं इधर ही जोड़ूंगा फेस तार की तरफ जो है, ताकि ये इसमें लग जाए ये इसमें इसमें लग जाए, ठीक है, सिर्फ एक तार रहेगा जो है फेस के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो इन्वर्टर का कनेक्शन जो है हो गया जो है। अब मैं एक बार आपको पूरे ऑप्शन डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका मेन बोर्ड हो स्विच हो गया, हमने यहाँ से एक न्यूट्रल फेज लेके यहाँ बोर्ड में 3 पिन सॉकेट लगा के जो है इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया, ये जो है चार्ज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बैटरी का चार्ज हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो इन्वर्टर के पीछे तो 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है जो है,
एक फेज तार इसमें से निकाल के हम यहाँ से ले गए जो है, और आप यहाँ से स्विच में जो है फेज तार काट के जो है इसमें जो है लाइट के लिए और पंखा के लिए हमने जो है कनेक्शन लगा दिया। ठीक, ये हो गया। और जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से कनेक्शन आप जो है कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया, बहुत ही आसान है सब कुछ जो है, थोड़ा ध्यान से बस समझने की बात है। ठीक, और जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा जो है कि एक ही तार इसमें जुड़ा हुआ है, केवल फेज जा रहा है, न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? तो जो लाइट नहीं रहती है जो है, तो न्यूट्रल जहाँ से ये चार्ज हो रहा है यहाँ से न्यूट्रल मिलता है, ठीक है, और यहाँ से इन्वर्टर के पीछे से जो है इसको फेज मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ सर्किट पूरा हो गया तो आपका यहाँ पे पंखा चल जाएगा, लाइट जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है इन्वर्टर चार्ज हो गया है जो है, आप चाहते हैं मतलब कि आप जो है इन्वर्टर का कनेक्शन जो है निकाल दें इसमें से जो है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि चार्ज हो गया है तो लगाने से क्या फायदा है जो है, हमारे घर में लगा हम भी निकाल देते हैं इसको जो है, क्योंकि ताकि जो है बिजली की बचत हो सके जो है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो इन्वर्टर का तार जो यहाँ पे बोर्ड में जो लगाए हुए थे जो है, इसको यहाँ से निकाल देना है इन्वर्टर का। ठीक है, और जो पीछे जो इन्वर्टर का सिंगल वाला जो तार है जो है, इसको उठाना है, यहाँ से निकालना है और उसे बोर्ड में ले आके लगा देना है। ठीक है, तो अब आपके घर की सप्लाई का जो है इन्वर्टर से कनेक्शन बैटरी से खत्म हो जाएगा, अब आपका जो है बिल्कुल लाइट से जो है चलने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही लाइट जाती है, लाइट चले जाने की कंडीशन में जो है, फिर आपको वही जो है कहानी दोहराना है, आपको इन्वर्टर का तार यहाँ से उठाना है और इसमें लगा देना है, इसमें से निकाल के जो है सिंगल वाला तार जो एक जुटा इन्वर्टर के पीछे आपको जो है लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने घर में जो है इन्वर्टर का कनेक्शन जो है कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो है बहुत ही आसान है, किसी मिस्त्री उस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस एक कॉन्फिडेंस जरूरत है, खुद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक पॉइंट जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ आपको डाउट है, कुछ आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है जो है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपसे एक और मज़ेदार वीडियो सब मिलेंगे। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।